सरकार द्वारा बैंक और ऑटो सेक्टर को लेकर पिछले दिनों की गई घोषणाओं का आज शेयर बाजार पर असर दिखाई दिया, जिस कारण बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 37,000 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,000 के स्तर को पार कर गया। सेंसेक्स में आज 164 अंक और निफ्टी में 57 अंकों की मजबूती रही। सेंसेक्स 12 अंक की गिरावट के साथ 36,969 अंक पर खुला और पहले सत्र में ही ये 200 अंकों की गिरावट के साथ आज दिन के निचले स्तर 36,785 अंक पर पहुंच गया। लेकिन बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में हुई रिकवरी से बाजार जल्द ही हरे निशान पर लौट आया। इसके बाद आज दिन पर सेंसेक्स हरे निशान में ही बना रहा। दोपहर के समय सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर 37,244 अंक तक पहुँचा और बाद में 164 अंक की मजबूती के साथ 37,145 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स का ये इस महीने का उच्च स्तर भी है। सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियों के शेयर हरे और शेष 10 लाल निशान में रही। सबसे ज्यादा मजबूती 4.47% की यस बैंक के शेयरों में रही, जबकि SCL टेक के शेयर में 1.50% की गिरावट रही। BSE में IT और टेक को छोड़कर अन्य समूहों में तेजी रही। IT सेक्टर में 0.81% की गिरावट रही, जबकि दूर संचार सेक्टर में 1.75% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह निफ्टी की भी शुरुआत लाल निशान से ही हुई। निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ 10,937 अंक पर खुला। बाद में निफ्टी 57 अंक की बढ़त के साथ 11,003 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी ये इस महीने का उच्च स्तर रहा। 30 अगस्त के बाद निफ्टी पहली बार 11,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 35 कंपनियों के शेयर हरे और 15 के लाल निशान में रहे। विदेशी बाजारों की बात करें तो एशिया में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.11%, जापान का निक्की 0.56% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.84% की बढ़त में रहा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.04% की गिरावट में रहा। यूरोप में ब्रिटेन का FTSE 0.48% टूट गया, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.33% की बढ़त में रहा। DB लाइव की रिपोर्ट।